नमस्कार दोस्तों, आपके सीटेट क्लास की जो कक्षाएं शुरू हुई थी साइंस की, उसमें हमने पहले क्लास 6 के एनसीईआरटी से स्टार्ट किया था। अब तक हम लोगों ने उसका दो पार्ट डिस्कस कर लिया, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। आज हम पार्ट थर्ड डिस्कस करके क्लास 6 की एनसीईआरटी को खत्म कर देंगे। तो चलिए हम पार्ट थर्ड आज पढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम के बारे में। तो जो ह्यूमन का स्केलेटन होता है, उसमें कितनी बोन होती है? 206 बोन होती है एडल्ट में। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि मनुष्य के जो कंकाल तंत्र होता है, उसमें कितनी बोन्स होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। जब कोई बच्चा पैदा होता है, तो उस टाइम कितनी बोन पाई जाती है? 305। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसमें 305 हड्डियां होती हैं। फिर उसके बाद इसमें से बहुत सी हड्डियां क्या होती हैं? बहुत सी हड्डियां जो है फ्यूज हो जाती हैं। बहुत सी हड्डियां जो हैं वो क्या हो जाती हैं? फ्यूज हो जाती हैं, जिससे एडल्ट में हड्डियों की संख्या कितनी रह जाती है? 206। तो ये दोनों जरूर याद रखिएगा कि बच्चों में 305 हड्डियां होती हैं और एडल्ट में 206 हड्डियां होती हैं। अब ये मानव का जो स्केलेटन है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत क्या आता है? हमारा ये स्कल वाला पूरा पार्ट आता है, ये पूरा स्कल वाला पार्ट आता है एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत। और हमारे पीछे की, अगर इसको आप पीछे से देखेंगे, तो जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है, उसकी वर्टीब्रा भी आती है। और ये जो रिब्स के पेयर हैं, ये रिब्स के पेयर जो हैं, ये भी एक्सियल स्केलेटन में आते हैं। और ये वाला जो स्टर्नम होता है, ये भी एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं स्कल में कितनी हड्डियां होती हैं। ये पूरा स्कल, इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? तो जो ये क्रैनियम है, क्रैनियम, इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? इसमें क्रैनियम में 8 होती हैं। क्रैनियम में 8 होती हैं। और हमारे चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? चेहरे में जो हड्डियां होती हैं वो 14 होती हैं। यही दोस्तों हमारा कान बना रहता है, दो 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 कान होते हैं। दोनों कानों में कितनी? एक कान में कितनी हड्डियां होती हैं? 3। तो दोनों कानों में मिला के कितना हम कह सकते हैं? ईयरो साइकिल कितनी? इनकी संख्या 6 होती है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, क्रेनियम में 8 हो गई, चेहरे में 14 हो गई, ईयरो साइकिल में 6, दोनों कान में 3 3। इनके नाम आप याद रखिएगा, मैलियस, इनकस और स्टेपीज, यही 3 हड्डियां होती हैं। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, मिस। और एक होती है हाइओवॉइड बोन। तो 29 बोन स्कल में होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कभी पूछा जाए स्कल में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 29 हड्डियां होती हैं। अब हम अपने वर्टिब्रल कॉलम पे आते हैं। इसमें दिया है, इसमें 26 हड्डियां होती हैं। स्टार्टिंग में जो हमारी वर्टिब्री होती है, उनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। इसमें जो सर्वाइकल होता है वो 7 होता है, थोरेसिक 12 होता है, लंबर 5 होता है। सर्वाइकल हो गया, थोरेसिक हो गया, लंबर हो गया। सेक्रल भी जो है 5 होता है, और कैडल जो होता है वो 4 होता है, लेकिन जब एडल्ट स्टेज आती है, तो ये सेक्रल जो है ये फ्यूज हो जाता है, बसता है 1, और ये कडल भी फ्यूज हो जाती है, बसती है 1। इसलिए इनका वर्टिब्रल फार्मूला लिखा गया है, सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सेक्रल 1 और कडल 1। तो टोटल इनकी संख्या है 26। और जब पैदा होता है स्टार्टिंग में, तब कितनी होती है वर्टिब्री? 33 नंबर में होती है। अब हम देखते हैं, हमने ये बताया ये रिप्स है, इनकी कितनी संख्या होती है? रिप्स 12 पेयर में होते हैं। पेयर का मतलब हो गया एक पेयर में, आप सभी लोग जानते हैं पेयर का मतलब होता है दो। तो 12 पेयर मतलब इसमें कितनी? 24
24 हड्डियां। स्टर्नम में कितना स्टर्नम तो बता रहा है एक, तो टोटल एक्सियल स्केलेटन कितने बोन का बना होता है? 80 बोन का बना होता है। अब हम आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की। अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आता है? ये हमारे जो ग्रेडल होते हैं, ये फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब और ये पेल्विक ग्रेडल, ये सब किस में आते हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं, ये पूरा नीचे तक। तो अब हम ग्रेडल की बात करते हैं, तो ये जो है हमारा ये पेक्टोरल ग्रेडल है। पेक्टोरल ग्रेडल में कितनी हड्डियां होती हैं? ये हमारा क्लेविकल है, ये क्लेविकल है जिसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं। क्लेविकल कितना है? 2। क्लेविकल संख्या में कितना है? 2। ये पीछे वाला ये जो भाग दिख रहा है, ये स्कैपुला होता है, स्कैपुला भी होता है दोनों साइड, तो स्कैपुला होता है 2। तो पेक्टोरल ग्रेडल में कितनी हो गई? पेक्टोरल ग्रेडल में 4 हड्डियां हो गई। और पेल्विक में कितनी हुई? पेल्विक में ये 2 हड्डियां। तो टोटल ग्रेडल में कितनी? 6 बोन पाई जाती है। और लिम्ब की बात करो, ये 4 लिम्ब है, ये हमारा 4 लिम्ब है, ये हमारा हिंड लिम्ब है। तो अगर हम 4 लिम्ब की बात करें तो ईच लिम्ब में कितने होते हैं? ईच लिम्ब में 30 हड्डियां होती है, सॉरी 3 नहीं, ईच लिम्ब में 30 हड्डियां होती हैं। तो 4 लिम्ब अगर दोनों को मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 60। इसी तरह हिंड लिम्ब में ईच लिम्ब में कितनी होती हैं? 30 हड्डियां होती हैं, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 60 हड्डियां हो गई। तो दोस्तों अब हमने हड्डियों के बारे में पढ़ लिया कि कितनी हड्डियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं। इसके बाद अब हम थोड़ा ज्वाइंट के बारे में पढ़ते हैं। ज्वाइंट का मतलब इसे क्या कहते हैं? संधि, संधि, संधि के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ज्वाइंट जो होता है ये जरूरी होता है, जितनी भी मूवमेंट होती है हमारे बॉडी में सबके लिए ज्वाइंट का होना बहुत जरूरी होता है। तो उसमें से कुछ ज्वाइंट ऐसे होते हैं जिसमें किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? फाइब्रस ज्वाइंट, या कह सकते हो फिक्स ज्वाइंट। इसमें किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होता है। इसका एग्जांपल क्या होता है? जो हमारे स्कल में हड्डियां होती हैं उसमें कुछ हड्डियां फ्लैट होती हैं, तो फ्लैट बोन ऑफ स्कल में कोई मूवमेंट नहीं होता है। दूसरे टाइप का जो जॉइंट होता है वो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। इसमें बहुत लिमिटेड मूवमेंट होता है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें मूवमेंट नहीं होता है, बट इसमें मूवमेंट होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है, इसलिए इसको यूज किया गया वर्ड कि इसमें लिमिटेड मूवमेंट होता है। और ये कहाँ पाया जाता है ये जॉइंट? जो हमने अभी वर्टिब्री की चर्चा करी 26, तो जो वर्टिब्री होती है, मान लो ये एक वर्टिब्री, ये एक वर्टिब्री, ये एक वर्टिब्री, तो इन वर्टिब्री के बीच में जो जॉइंट होता है वो कैसा जॉइंट होता है? कार्टिलेजिनस जॉइंट। अब ये जो साइनोबियल जॉइंट होता है इसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है। साइनोबियल जॉइंट 2 हड्डियों के बीच में पाया जाता है, और इनके बीच में क्या भरा होता है? दोनों हड्डियों के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है जिसे साइनोबियल मेम्ब्रेन कहते हैं, और इनके बीच में दोनों हड्डियों के बीच में साइनोबियल फ्लूइड भरा होता है। साइनोबियल मेम्ब्रेन होती है और उनके दोनों हड्डियों के बीच में क्या भरा होता है? साइनोबियल फ्लूइड भरा होता है। जब कभी यही फ्लूइड सूख जाता है तो हड्डियां हमारी दोनों पास पास आ जाती हैं, जिसकी वजह से आप लोग देखते होंगे जिनको आर्थराइटिस हो जाता है उनकी हड्डियां जो है चलने पर कट कट की आवाज उसमें से आती है। इसका मतलब उनका जो साइनोबियल फ्लूइड होता है वो सूख गया होता है। तो हम देखेंगे कि साइनोबियल ज्वाइंट के अंतर्गत कौन से ज्वाइंट आते हैं, तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, या इसे कहते हैं कंदुक खल्लिका संधि, कंदुक खल्लिका संधि। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो है एक बोन कैसी होती है? ये राउंडेड होता है। इसका एंड कैसा होता है? ये राउंडेड होता है।
वाली कैसी होती है? ये हॉलो होती है, मतलब इसके पास एक कैविटी होती है। तो जो ये राउंडेड एंड होता है बोन का, वो इस कैविटी में जाके फिट हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं? कंदुकखल्लिका संधि कहते हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं, इसमें यही लिखा है कि जो राउंडेड एंड होता है हड्डी का, वो फिट कहाँ पे फिट होता है? जो खाली जगह होती है दूसरी हड्डी में, उसी को कहते हैं कंदुकखल्लिका संधि। इसके द्वारा क्या होता है, बहुत ज्यादा मूवमेंट हम कर पाते हैं इस संधि के द्वारा। इसके एग्जाम्पल में क्या आते हैं, आप अभी देख रहे होंगे, ये हमारी थाई बोन है और ये हिप बोन है। तो थाई बोन और हिप बोन के बीच में कौन सी संधि पाई जाती है? कंदुकखल्लिका संधि पाई जाती है। और इसी तरह जो हमारे हाथ की हड्डी होती है ऊपर शोल्डर के पास, ह्यूमरस और ये पेक्टोरल ग्रिडल दोनों के बीच में भी कंदुकखल्लिका संधि पाई जाती है। अब हम आते हैं किस पे? पाइवोट जॉइंट। इसे कौन सी संधि कहते हैं? इसे कहते हैं धुराग्र, धुराग्र संधि। ये कौन सी संधि होती है? ये संधि होती है गर्दन मा, ये आपकी गर्दन है, गर्दन को ये आपका हेड है। गर्दन को हेड से जोड़ने वाली जो संधि होती है वही क्या कहलाती है? धुराग्र संधि कहलाती है। इसके द्वारा हम अपने सिर को क्या कर सकते हैं? हम अपने सिर को आगे पीछे और दाएं बाएं क्या कर सकते हैं? दाएं बाएं मोड़ सकते हैं, मोड़ सकते हैं। आप देख रहे होंगे ये हमारी गले की हड्डी हो गई और ये हमारा सिर हो गया। इसमें ये जो ज्वाइंट पाया जाता है इसे धुराग्र संधि कहते हैं। इसके द्वारा हम अपने सिर को, आप चाहे ऐसे घुमा के अपने सिर को देख लीजिए, आगे पीछे और दाएं बाएं घुमा सकते हैं। अब हम इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, मतलब इसमें ये बोल रहा है अलाउ करता है क्या? मूवमेंट अराउंड ए सिंगल एक्सिस। सिंगल एक्सिस का मतलब ये हमारी जो गर्दन हो गई ये एक एक्सिस की तरह काम करती है। इसके ऊपर जो हमारा सिर है उससे लगा होता है और ये आगे पीछे घूमता है इसी गर्दन के अराउंड। इसी को कहते हैं धुराग्र संधि। इसमें हमने एग्जाम्पल दे रखा है एटलस और एक्सिस। तो एटलस क्या होती है? एटलस जो होती है हमारी फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री होती है। ये कहाँ होती है? ये सिर के पास होती है, सिर के पास होती है। और ये एक्सिस जो होती है ये सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है। तो ये हमारे सिर के पास अभी हमने बताया, तो ये एटलस हो गया और ये वाला जो है ये एक्सिस हो गया। तो इन दोनों के बीच में कौन सी ज्वाइंट पाई जाती है? दुराग्र संधि पाई जाती है। हिंज जॉइंट। अब हम देखते हैं ये कैसी जॉइंट है। इसके द्वारा जो मूवमेंट होता है वो केवल एक डायरेक्शन में होता है, या आगे होगा या पीछे होगा। तो मान लो ये हमारी क्या दिखाई दे रही है? ये हमारी घुटने की संधि है, घुटने की संधि है। आप अपने घुटने को या तो आगे मोड़ सकते हैं इसको, या तो फैला सकते हैं, या इसको पीछे ले जा सकते हैं। तो ये मूवमेंट केवल एक डायरेक्शन में होगा, या तो आप इसको पीछे मोड़ लीजिए या आप इसको आगे करिए। तो इसमें दो ही मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा, या तो पीछे होगा या तो आगे होगा। तो अब हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। हमारे घुटने की हड्डियां हो गई और हमारा जो एल्बो ज्वाइंट हो गया। अब हम आते हैं दोस्तों, हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट का मतलब एक ऐसा स्थान जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म या जीव जंतु रहते हैं उसी को कहते हैं हैबिटेट। या हम कह सकते हैं कि हम अपने भोजन, या हम कह सकते हैं हम अपने भोजन वायु और क्या शरण स्थल और अन्य आवश्यकताओं के लिए जो जीव जंतु होते हैं वो अपने आवास, हैबिटेट का मतलब ही होता है आवास, आवास पर निर्भर करता है। आवास का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जिसमें
जिसमें सभी जंतु व पौधे समान रूप से रह सकते हैं, समान रूप से रह सकते हैं, वो क्या कहलाता है? वो उसका हैबिटेट कहलाता है। अब जो ये हैबिटेट होता है, इसके दो कंपोनेंट आवास के होते हैं। पहला क्या होता है? उसका जैविक घटक, क्या कह सकते हैं, बायोटिक कंपोनेंट। दूसरा क्या होता है? एबायोटिक कंपोनेंट या अजैविक घटक। जैविक घटक में आते हैं सभी लिविंग थिंग्स, या हम कह सकते हैं सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे। और पेड़ पौधे किसमें आएंगे? बायोटिक कंपोनेंट में, और या कह सकते हैं जैविक घटक में आते हैं। अजैविक घटक में क्या आते हैं? सभी निर्जीव वस्तुएं, जैसे क्या हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, चट्टान हो गया, मिट्टी हो गई, ये सभी क्या है? अजैविक घटक है। तो अभी तक हमने हैबिटेट के बारे में देखा कि एक ऐसी जगह जहां पे जीव जंतु रहते हैं, या कह सकते हैं सभी जंतु या पौधे समान रूप से रहते हैं, वो उसका क्या कहलाता है? आवास कहलाता है या हैबिटेट कहलाता है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं। जैविक घटक होता है जिसमें सभी जीव जंतु पेड़ पौधे रहते हैं, मतलब उसमें सारी सजीव वस्तुएं रहती हैं। और अजैविक घटक में क्या है? सभी निर्जीव वस्तुएं रहती हैं इसके अंदर, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, चट्टान हो गया, मिट्टी हो गया, ये सभी अजैविक घटक है। अब हम देखते हैं टेरेस्टिशियल हैबिटेट क्या होता है। टेरेस्टिशियल हैबिटेट वो होता है जिसमें प्लांट और एनिमल कहाँ पे रहते हैं? लैंड पे। अगर कोई एग्जांपल पूछे आपसे टेरेस्टिशियल हैबिटेट का, एग्जांपल बताओ, तो फॉरेस्ट हो गया हमारा, और क्या, ग्रॉसलैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, डिजर्ट हो गया, ये सभी किसके? टेरेस्टिशियल हैबिटेट के अंदर आते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट का मतलब क्या है? एक्वेटिक हैबिटेट का मतलब है कि प्लांट और एनिमल कहाँ रहते हैं? ये पानी में रहते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है एक्वेटिक हैबिटेट का? हमारा ओशियन हो गया, लेक हो गया, और रिवर हो गया, ये किसमें है? एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर आते हैं। एक्लिमेटाइजेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? पर्यावरण के अनुकूल होना। इसको हम पहले एक एग्जांपल दे के बताते हैं, फिर इसके थ्योरी पढ़ेंगे। मान लो हम सभी किसी प्लेन पे रह रहे हैं। मान लो हम सभी कहाँ रह रहे हैं? प्लेन पे रह रहे हैं। कोई जमीन है जहां रह रहे हैं, उसके बाद हम कहाँ गए? अचानक बहुत हाई माउंटेन, या कह सकते हैं ऊंचाई पर चले जाते हैं। जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो हमें क्या होता है? सांस लेने में हमें दिक्कत होती है। लेकिन अगर हमें माउंटेन पे बहुत लंबे समय तक रहना पड़ जाए, तो ये जो सांस लेने की दिक्कत है, इस माउंटेन के अकॉर्डिंग हम अपने आप को उसमें चेंज कर लेते हैं, फिर हमें माउंटेन पे रहने पे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है सांस लेने में। यही कहलाता है कि हमने अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल बना लिया। तो अब डेफिनेशन पढ़ते हैं कि कोई ऐसा चेंज जिसमें वो ऑर्गेनिज्म अपने आप को एडजस्ट कर ले उस इन्वायरमेंट या सराउंडिंग में रहने के लिए, तो वही कहलाता है उसका एक्लिमेटाइजेशन या पर्यावरण के अनुकूल होना। अब हम देखेंगे कि जो एडॉप्टेशन होता है उसमें डिजर्ट प्लांट के अंदर क्या एडॉप्टेशन होता है। तो एडॉप्टेशन डिजर्ट प्लांट में हम देखेंगे कि जो डिजर्ट में प्लांट होते हैं उनमें बहुत कम लॉस होता है वाटर का थ्रू ट्रांसपायरेशन। क्यों ऐसा होता है? ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर
फॉर्म ऑफ पेपर थ्रू किससे, जो स्टोमेटा प्रेजेंट इन लीव्स, तो ये प्लांट जो होते हैं इनके द्वारा जो लॉस ऑफ वाटर होता है वो फॉस्फोसर्जन के द्वारा बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो लीव्स होती हैं डिजर्ट या मरुस्थलीय प्लांट में वो या तो अब्सेंट होती है या बहुत छोटी होती है या वो कांटों में कन्वर्ट हो जाती है। ये इम्पोर्टेंट है कि डिजर्ट प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस फंक्शन होता है वो जनरली किससे होता है, इनके स्टेम के द्वारा होता है। और डिजर्ट प्लांट में जो स्टेम होता है वो कवर्ड होता है किससे, थिक बैक सी लेयर से, जिसकी वजह से वाटर जो है उनके टिश्यू के अंदर इकट्ठा होता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, कैक्टी। तो एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, कैक्टी में जो मरुस्थलीय पौधा है इसका स्टेम जो होता है थिक बैक्सी लेयर से कवर्ड होता है, जिसकी वजह से वो वाटर को अपने टिश्यू में इकट्ठा कर लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि डिजर्ट प्लांट में ये पत्तियां किसमें, ये पत्तियां बहुत थिक हैं और किसमें रूपांतरित हो गई, ये आप देख रहे होंगे इसमें छोटे छोटे कांटे स्पाइन के रूप में निकले हुए हैं। तो इनकी पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो गई हैं। अगर इनकी पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं तो इनमें वाष्पोत्सर्जन बहुत कम होता है। तो इस तरह से आप लोगों ने दोस्तों डिजर्ट में जो मरुस्थल में प्लांट पाए जाते हैं उसमें क्या एडॉप्टेशन होता है उसको आपने देखा। अब हम देखेंगे कि डिजर्ट में जो एनिमल पाए जाते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कैमल, उनमें क्या एडॉप्टेशन होता है। तो जो कैमल होते हैं, चूंकि हम सभी जानते हैं कि मरुस्थल में पानी बहुत कम पाया जाता है और मरुस्थल में जो है दिन बहुत गर्म होता है, रातें बहुत ठंडी होती हैं, तो जो ये कैमल है वो अपने आप को कैसे अडॉप्ट करता है। कैमल का जो लेग होता है वो बहुत लंबा होता है, जिसकी वजह से जो रेत की गर्मी है इसके शरीर तक नहीं पहुंच पाती है और ये अपने शरीर से जो है वाटर का लॉस भी बहुत कम करते हैं, क्योंकि इनको पसीना बहुत कम होता है और वो यूरिन इनकी जो होती है वो बहुत कम मात्रा में होती है और इनका जो स्टूल होता है वो बहुत सूखा होता है। तो इस तरीके से ऊंट जो है रेगिस्तान में बहुत लंबे समय तक बिना पानी पिए कई दिनों तक रह सकता है। अब हम पढ़ेंगे एडॉप्टेशन इन माउंटेन हैबिटेट। तो आप देख रहे होंगे कि ये माउंटेन हैबिटेट का पेड़ है, इसका पेड़ कैसा होता है, ये कौन सेप होता है। आप देख रहे होंगे ये पेड़ कैसा है, ये कौन सेप है, इसका पेड़ कैसा होता है, इसका पेड़ कौन सेप होता है, और स्लोपिंग ब्रांच होती है और इनकी जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, निडल लाइक होती है, जो हेल्प करती है क्या रेन वाटर या जो स्नो उस पे गिर रहा हो वो इजली स्लिप हो जाए या स्लाइड हो जाए। और इनके अंदर जो एनिमल पाए जाते हैं उसमें थिक फर होता है, आप देख रहे होंगे ये एनिमल है, इसमें कितने बड़े बड़े बाल हैं जो उसको ठंडी से बचाता है, क्योंकि ये जो बड़े बाल हैं इनके शरीर को गर्मी प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से ये जंतु यहाँ पर रह लेते हैं, क्योंकि उनके पास थिक फर या हम कह सकते हैं बहुत बड़े बाल और इनकी स्किन बहुत मोटी होती है जो उन्हें ठंड से बचाती है। अब हम एक नोट्स देखते हैं दोस्तों, इसमें बताया गया है कि सी एनिमल वेल और डॉल्फिन के बारे में। ये क्या है वेल और डॉल्फिन, क्या है एक मैमल से कभी कभी एग्जाम्पल पूछा जाता है कि दो मैमल्स के नाम बताओ जो सी में रहते हैं, तो सी में रहने वाले दो मैमल्स क्या हैं, वेल और डॉल्फिन है। इनके पास गिल नहीं होता है, ये ब्रीथ किससे करते हैं, अपने नॉस्टिल से ब्रीथ करते हैं जो लोकेटेड होता है इनके अपर पार्ट ऑफ हेड से। अब हम दोस्तों मोशन के बारे में पढ़ेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन या सरल सरल रेखीय गति किसे कहते हैं। सरल रेखीय गति का मतलब मोशन एक सीधी रेखा में, जैसे आप देख रहे होंगे ये बस है और ये कार है, ये सब एक सीधी रेखा में
सीधी रेखा में चली जा रही है, सीधी रेखा में चली जा रही है, तो ये सीधी लाइन में चलना ही कहलाता है सरल रेखीय गति। अब हम दूसरा देखेंगे सर्कुलर मोशन या वर्तुल गति। इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है, एक फिक्स पॉइंट से मूव करता है ऑब्जेक्ट, और उनकी डिस्टेंस हर जगह से सेम होती है, सेम होती है, सेम होती है। जैसे मान लो ये फैन है, ये इसका एक फिक्स पॉइंट है, ये इसका फिक्स पॉइंट है, तो आप देख रहे होंगे कि इसकी पंखुड़ियां सब जो है एक फिक्स पॉइंट से होके बराबर दूरी सब तय करती हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वर्तुल गति। अब हम पढ़ते हैं क्या, कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब क्या है? विद्युत चालक। विद्युत चालक नाम से ही लग रहा है दोस्तों कि ये अपने अंदर से धारा को प्रवाहित होने देते हैं। कोई ऐसा सब्सटेंस जो अपने अंदर धारा को प्रवाहित होने देता है तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत चालक। इसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं तांबे का तार, तांबे का तार, एल्यूमिनियम, या जितने भी मेटल होते हैं, जितने भी मेटल होते हैं, ये सभी विद्युत के क्या होते हैं? चालक होते हैं। अब इंसुलेटर का मतलब क्या होता है? विद्युत रोधक। विद्युत रोधक का मतलब ही इसके नाम से पता चल रहा है कि अपने अंदर से धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? लकड़ी हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, और अभी हमने बताया तांबे का तार, तो तार के ऊपर जो प्लास्टिक लगी रहती है, प्लास्टिक लगी रहती है तार के ऊपर, ये सब क्या है? विद्युत रोधक है, विद्युत रोधक है। अब हम पढ़ते हैं कि प्राकृतिक मैग्नेट क्या है। प्राकृतिक मैग्नेट क्या है? ये ओर ऑफ आयरन का होता है प्राकृतिक मैग्नेट, जिसे मैग्नेटाइट कहते हैं। इसका फार्मूला Fe3O4 होता है। और अभी हमने बताया कि ये क्या है, ये ओर ऑफ आयरन है। तो अगर कभी आपसे पूछे कि ओर ऑफ आयरन, आयरन के दो ओर होते हैं, एक हिमेटाइट होता है, दूसरा क्या होता है? दूसरा मैग्नेटाइट होता है। हिमेटाइट का फार्मूला Fe2O3 और मैग्नेटाइट का फार्मूला Fe3O4 होता है। अब हम नोट्स देखते हैं। नोट वन में क्या है? नोट वन में है कि एक फ्रीली सस्पेंडेड जो चुंबक होता है वो हमेशा किस डायरेक्शन में रुकता है? वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही लाई करता है। अब हम दूसरे नोट्स पे आते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि अपोजिट पोल है जो दो चुंबक का, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा। और इसमें बोल रहा है जो सेम पोल होते हैं, सेम पोल होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं एयर क्या है। एयर दोस्तों क्या है? एयर मिक्सचर होता है गैसों का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एयर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो 78% इसमें नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इसमें कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट होती है, और रिमेनिंग 1% में अदर गैसेस और वाटर वेपर पाया जाता है। अब हम देखते हैं एटमॉस्फेयर क्या होता है। जो एनवलप होता है एयर का, जो हमारी धरती को सराउंड करता है, उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। लैंडफिल, लैंडफिल का मतलब होता है भराव क्षेत्र, भराव क्षेत्र। इसके नाम से क्लियर हो रहा होगा कि कोई खाली जगह होगी, उसको आप धीरे धीरे मिट्टी डाल के या कूड़ा करकट डाल के उसको जमीन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तभी वो कहलाएगा भराव क्षेत्र। तो अब हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं। एक ऐसा एरिया जहाँ पे गार्बेज, जो बेस पदार्थ है हमारे सिटी का या टाउन का,
वो इस एरिया में इकट्ठा किया जाए और बाद में वो एरिया किस में चेंज हो जाए, पार्क में चेंज हो जाना ही कहलाता है लैंडफिल या भराव क्षेत्र। अब कंपोस्टिंग का मतलब क्या है? कंपोस्टिंग का मतलब है रसोई किचन, मतलब रसोई घर से निकले वेस्ट और पौधे और जंतुओं से निकले वेस्ट को किस में कन्वर्ट करना, खाद में कन्वर्ट करना। मैन्योर का मतलब होता है खाद, खाद में कन्वर्ट करना कहलाता है कंपोस्टिंग। और जो ये कंपोस्ट होता है इसको किसकी मदद से हम तैयार करते हैं? तो इसको हम रेड वर्म की सहायता से तैयार करते हैं, जिसे कहते हैं बर्मी कंपोस्टिंग। अगर वो रेड अर्थ वर्म से तैयार किया गया हो कंपोस्ट तो उसे कहते हैं बर्मी कंपोस्टिंग। अब हम मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पहले देखेंगे मसल में कैसे मूवमेंट होता है। आप ये देख रहे होंगे, ये हमारा हाथ है। जब हम अपने हाथ को ऐसे मोड़ते हैं और आप इस जो आपका हाथ का पंजा है इससे आप अपने ये कंधे को जब आप छूने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे एक क्या होगा, एक मांस का टुकड़ा जैसे लगेगा कि ऊपर निकल आया है। यही क्या कहलाता है कि यहाँ पे पेशियां जो हैं, पेशियां क्या हैं, वो संकुचित संकुचित हो गई हैं। तो ये आपको दिखेगा कि यहाँ पे पेशियां संकुचित हो गई हैं। संकुचित होना ही क्या है, मतलब कंट्रैक्शन, पेशियों में ये कंट्रैक्शन हो रहा है। अगर आप हाथ सीधा कर देंगे तो ये जो पेशियां संकुचित हुई हैं वो अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाती हैं। इसका मतलब अब हम देखेंगे कि मसल में कैसे मूवमेंट होता है। मसल में जो मूवमेंट होता है, मसल पेयर में काम करती है। जब उसमें से एक कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बोन जो होती है वो उसी डायरेक्शन में खिंच जाती है, और अदर पेयर जो होता है मसल का वो उस टाइम रिलैक्स होता है। मान लो दो पेयर है मसल के, एक संकुचित होती है तो बोन क्या होता है उसी डायरेक्शन में हमारी खिंच जाती है, और दूसरी मसल का जो पेयर होता है वो अपनी रिलैक्स या नॉर्मल अवस्था में रहता है। जो बोन मूव की अपोजिट डायरेक्शन में, तब जो है रिलैक्स मसल जो होती है अब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और पुल करती है बोन को कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाओ, और पहली वाली क्या है, पहली वाली अब रिलैक्स हो जाती है। तो इस तरीके से दो मसल वर्क करती है एक साथ बोन को मूवमेंट कराने के लिए। मसल क्या होती है, वो केवल पुल करती है, पुश नहीं करती है। अब हम देखेंगे मूवमेंट इन अर्थवर्म। तो जो बॉडी होती है अर्थवर्म की, ये आप देख रहे होंगे अर्थवर्म पे ऐसे 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 रिंग टाइप की स्ट्रक्चर, ये देखिए ये। तो अर्थवर्म की बॉडी क्या है, ये बनी होती है बहुत सारे रिंग से, और ये रिंग एक दूसरे से जॉइंट होते हैं एंड टू एंड। इसलिए अर्थवर्म के पास क्या होता है, कोई भी बोन नहीं होती है। अर्थवर्म के पास बोन नहीं होती है। ये जो मसल होती है इसकी, ये एक्सटेंड करती है, मतलब ये फैलती है और सिकुड़ती रहती है। इसके बॉडी में जो भी मसल होती है अर्थवर्म में, ये फैलती रहती है और ये देखिए सिकुड़ती रहती है। और अर्थवर्म की बॉडी क्या है, ये सिक्रीट करता है कुछ चिपचिपा पदार्थ जो उसके मूवमेंट में हेल्प करता है। अब हम देखेंगे कि मूवमेंट इन स्नेल, इसमें किस तरीके से मूवमेंट होता है। आप देख रहे होंगे कि ये जो स्नेल है इसके ऊपर क्या है, एक ये कवच, या आप कह सकते हैं एक ये सेल पाया जाता है, सेल होता है या कवच होता है। जब इस कवच का ये जो छेद है ये खुलता है तो ये जो स्ट्रक्चर निकल रही है, ये स्ट्रक्चर, ये पूरी स्ट्रक्चर ये क्या है, ये इसका क्या होता है, ये इसका पैर होता है। पैर होता है, ये किसका बना होता है, ये दृढ़ पेशियों का बना होता है। और आप इसको थोड़ा सा ऊपर उठा के देखोगे तो ये किस तरीके से मूवमेंट करता है, ये ऐसे लहरदार लहरदार मूवमेंट करता है, लहरदार मूवमेंट ये करता है स्नेल।
ये सेल होता किस लिए इसके ऊपर? तो हम पढ़ते हैं कि सेल क्या है। सेल एक सेल के ऊपर जो सेल होता है ये एक राउंडेड स्ट्रक्चर है। आप देख रहे हैं एक राउंडेड स्ट्रक्चर है। ये इसका आउटर स्केलेटन बनाता है। ये बोन का नहीं बना होता है। ये एक यूनिट है। ये इसके चलने में मदद नहीं करता है बल्कि इसको क्या, इसको ये सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम देखते हैं मूवमेंट इन कॉकरोच। तो इसके पास क्या होता है, थ्री पेयर लेग होता है जो इसके मूवमेंट में मदद करता है। तो आप ये देख रहे होंगे इसके पास ये तीन जोड़ी लेग होती हैं जो इसके क्या है, इसको चलने में मदद करती हैं। इसके पास और क्या होता है, दो पेयर विंग होता है। ये विंग आप देख रहे होंगे, ये दो पेयर विंग होता है। ये अटैच होता है इसके बॉडी से, सिर से जस्ट पीछे। ये देखिए इसका सिर है, सिर से जस्ट पीछे इसके बॉडी पे ये दो पेयर विंग अटैच होता है। अब हम देखेंगे कि मूवमेंट बर्ड में कैसे होता है। बर्ड जो डक होती है और स्वान होती है, ये क्या होती है, ये वाटर में पानी में तैरती है। इनकी बोन क्या होती है, खोखली होती है और बहुत हल्की होती है। इनका जो हिंड लिम्ब होता है ये वॉकिंग के लिए और कोई भी चीज पकड़ने में हेल्प करता है। लेकिन जो इसका फोर लिम्ब होता है वो किस में मॉडिफाइड हो जाता है, वो विंग में मॉडिफाइड हो जाता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ड का कौन सा लिम मॉडिफाइड होता है विंग में। तो इसका फोर लिम मॉडिफाइड हो जाता है विंग में। तो आप देख रहे होंगे ये इसका फोर लिम है, ये किस में मॉडिफाइड हो जा रहा है, ये मॉडिफाइड हो जा रहा है विंग में, मॉडिफाइड हो जा रहा है विंग में। और ये इसका हिंड लिम है, ये किस में मदद करता है, ये मदद करता है वॉकिंग में और कोई भी चीज पकड़ने में। अब हम देखेंगे कि मूवमेंट स्नेक में कैसे होता है। तो स्नेक के पास जो होता है लॉन्ग बैक बोन होती है, लॉन्ग बैक बोन होती है। इसके बॉडी में जो कर्व होता है वो कई लूपों में होता है। इसके बॉडी में जो कर्व होता है वो कई लूपों में होता है। हर एक लूप जो होता है स्नेक का, ये इसको फॉरवर्ड पुश करवाता है, मतलब आगे बढ़वाता है। किसको प्रेस करके, प्रेस करके जमीन को प्रेस करके ये हर एक लूप से आगे बढ़ता है। चूंकि इसमें बहुत से लूप होते हैं और हर एक लूप इसको आगे की तरफ पुश करता है, इसलिए स्नेक जो है फॉरवर्ड जो है आगे की तरफ बहुत तेजी से भागता है। नॉट इन स्ट्रेट लाइन, मतलब वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है, वो ऐसे ही चलता है लूप बना के, फॉरवर्ड डायरेक्शन में तेजी से मूव करता है। अब हम देखेंगे मूवमेंट फिश में कैसे होता है। तो फिश की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीम लाइन शेप होती है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है कि स्ट्रीम लाइन शेप ऑफ बॉडी किस में पाई जाती है। तो ये फिश में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, फिश में पाई जाती है। स्ट्रीम लाइन शेप का मतलब क्या होता है कि इसका जो हेड होता है और जो इसका टेल होता है वो स्मॉलर होता है किससे, मिडिल पोर्शन से। या हम कह सकते हैं कि इसका जो हेड होता है और ये टेल होता है ये टैपर्ड होता है और मिडिल वाला पोर्शन क्या होता है, वो चौड़ा होता है, चौड़ा होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, इस शेप की वजह से वाटर इसके आसपास बहुत आसानी से फ्लो करता है और मछलियां जो है पानी में मूव करती हैं। जब ये मूव करती हैं तो इनके जो बॉडी का ये फ्रंट पार्ट है, ये आगे वाला पार्ट है, ये एक साइड में आप देख रहे होंगे, ये एक साइड में, इस साइड में कर्व है तो इसका टेल इस साइड में कर्व है। तो ये यही कह रहा है कि इसके फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी वो कर्व होता है किस, एक साइड में, जबकि टेल उसका अपोजिट साइड कर्व होता है जो उसको क्या, जर्क प्रोवाइड करता है और पुश करता है बॉडी को आगे मूवमेंट करने में। अब हम एक्वेटिक प्लांट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। एक्वेटिक प्लांट में जो रूट होती है वो बहुत रिड्यूस होती है। उनका मेन फंक्शन क्या होता है, उनका बस मेन फंक्शन होता है कि प्लांट को जमीन पे टिकाए रखना ही इसका मूल फंक्शन या मेन फंक्शन होता है। इसका जो स्टेम होता है बहुत हल्का होता है, खोखला होता है
और जो स्टेम होता है ग्रो करता है किससे, सरफेस ऑफ द वाटर पे। इनकी जो लीव्स होते हैं और फ्लावर होते हैं वो कहाँ फ्लोट करते हैं, सरफेस ऑफ वाटर पे तैरते रहते हैं। तो ये एक्वेटिक प्लांट की बात हो गई। अब हम सबमर्स प्लांट की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं सबमर्स प्लांट की। तो इनके ये जो प्लांट होते हैं इनके सभी पार्ट पानी के अंदर होते हैं और इनकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिवाइड होती हैं, जिसकी वजह से वाटर उनके बीच में आसानी से फ्लो कर जाता है बिना उनको डैमेज किए हुए। तो इस तरीके से दोस्तों हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी को 3 पार्ट में कवर कर लिया है। अब हम कल इसके बाद जो है क्लास 7 की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। यदि आपको दोस्तों कोई डाउट रह जाता है या आपके दिमाग में आता है कि किसी और तरीके से आपको पढ़ाना है या क्वेश्चन ज़्यादा कराने हैं या क्वेश्चन थ्योरी के साथ ही स्टार्ट कर देना है, तो इस टाइप के आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, जिससे हम आपकी समस्या को आसानी से समझ सकें। धन्यवाद दोस्तों।